तरह धागा, मैं सीखता टकरा के खुशियों को त्यागा, पार्टी नहीं की ना जन्मदिन मनाया ना दोस्तों से मिला। और हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज आपके सामने है एक हेडफोन जो कि मेड इन चाइना है, पर फिर भी आपको उसके अंदर अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, आपको अपने बजट के अंदर आपको आपका काम हो जाएगा। अब मैं आप ये सोचोगे कि इसका आज रिव्यू करने की क्या ज़रूरत थी। अब इसके अंदर कुछ नई चीज़ें मुझे मिली थी जो मुझे अच्छी भी लगी, और इसकी क्वालिटी किसी अगले हेडफोन्स के, मतलब कि दूसरी कंपनी के हेडफोन्स में मुझे याद आई। तो इसका मॉडल आप देख सकते हो 1250 है, मतलब कि GP1250, और यूबोन कंपनी का है, ठीक है। तो आपने इसका नाम पहले भी सुना ही होगा, जो कि कम बजट के अंदर अच्छे हेडफोन्स प्रोवाइड कर रही है। इसके ज़्यादा प्रोफेशनली स्टूडियो मॉनिटर्स वाले हेडफोन्स तो नहीं अभी हमें देखने को मिलते, पर फिर भी इसके जो नॉर्मल बजट के अंदर होते हैं, जो कि हमारे होम यूज़ में होते हैं, वो हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हो कि इसके साथ पहले हमें एक केबल मिलती है जो कि 3.5 केबल है, और ये बिल्कुल अलग है, मतलब कि इसकी कोई इसके साथ कनेक्टिविटी नहीं है। आप इसको अलग से भी सेपरेट किसी और चीज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। मान लो आपका कोई और दूसरा फ़ोन है या कोई और चीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हो, या दूसरे किसी हेडफोन्स के अंदर। पर इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है, कोई मतलब नेगेटिव पॉइंट नहीं है, पर जिस बजट के अंदर है ये ठीक है। इसके अंदर आपको कोई ईयरफोन्स, मतलब कि अपने बात करने के लिए माइक्रोफोन नहीं मिलेगा इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ आपको ये केबल मिलेगी जो आपको इस हेडफोन में लगानी है। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये अलग हो जाती है। तो अलग हो जाने के कारण मान लो आपके घर में चूहे हैं या कुछ भी है या कोई भी है, तो ये कटने का डर आपको कम रहेगा या नुकसान होने का। अगर आपकी वायर ख़राब भी हो जाती है तो आप दूसरी वायर लगा सकते हो, आपके हेडफोन्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरी चीज़, इस हेडफोन्स के अंदर एक तो ये फोल्ड हो जाता है, आपका स्पेस कम लेगा, ठीक है, और थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये एक इस तरह का हेडफोन है जिस क्वालिटी से ये बना हुआ है ना, कि मतलब आप इसको फेविक्विक लगा के भी आप इसको चिपका नहीं सकते बाय चांस अगर ये टूट गया। अब इसमें आप सामने देख रहे हो कि इसमें एक हेडफोन इधर लगाने का है, एक हेडफोन्स का पॉइंट इधर भी है। इसमें यही प्लस पॉइंट है कि एक ही टाइम पे आप, मतलब कि मान लो एक साइड का आपका स्लॉट ख़राब हो जाता है या हिल जाता है, तो आप दूसरी साइड से लगा सकते हो और वहाँ से आप वर्किंग कर सकते हो। तो इसके अंदर लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों साइड 3.5 mm जैक लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका ये भी मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है कि दोनों साइड दिया हुआ है। और बाकी आपको पता ही है कि आप अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो इसकी कैप जो होती है वो खुल जाती है, आप खोल के सेट करके या खुद भी छेड़खानी करके आप वापस ठीक करके आप लगा सकते हो। आप ये पढ़ सकते हो, इट्स ऑल अबाउट यू, इनका ये जो एक एंथम है, ठीक है। अब इसके अंदर साउंड क्वालिटी आपको मैं बता देता हूँ कि क्यों मैंने इसका रिव्यू किया। इसके अंदर रिव्यू करने का कारण ये था कि एक आपने हेडफोन देखा होगा जो कि सोनी कंपनी का है, उसका नाम है MDR, और आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, MDR और 110 वाइट कलर में है, जो कि बहुत ज़्यादा सेल हुआ। तो मुझे जब ये मैंने हेडफोन लगाया और मैंने वो वाला हेडफोन भी यूज़ किया था, तो मुझे इस हेडफोन के अंदर जो क्वालिटी मिली, मुझको सेम टू सेम उस हेडफोन्स की क्वालिटी वाला अंतर मिला। बहुत मतलब रेयर ही मुझे लगा कि हाँ इसमें दोनों में फ़र्क होगा। तो अगर बाय चांस आप अगर हेडफोन्स लेते हो, आपका बजट नहीं है 700-800 रुपये, तो ये हेडफोन्स आपको 350 रुपये के अंदर मिल जाते हैं उसके आधे दाम में। तो आप ये हेडफोन ले सकते हो और आपका सेम टू सेम काम हो जाएगा, क्योंकि पहले जो हेडफोन्स आते थे यूबोन के, उसके अंदर बेस बहुत ज़्यादा होता था। तो इसके अंदर भी बेस है, पर अगर आप म्यूज़िक लाइन में अगर अच्छा क्वालिटी मांगते हो तो इसके अंदर आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, ना कि कोई पीक लेवल है ना कोई ज़्यादा बेस है, बिल्कुल ओके है, जितनी आपको ज़रूरत है बिल्कुल अच्छी क्वालिटी मिलती है। मैंने खुद एनालाइज़ किया तो मुझे ये लगा अंतर, इसलिए मैंने इसका रिव्यू किया। और आप देख सकते हो, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो यार कुछ बात होगी तभी यूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं क्यों अपने पैसे बर्बाद करूँगा। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय। पार्टी नहीं की ना जन्मदिन मनाया ना दोस्तों से मिला और वक्त को बचाया, सोचा नहीं करा जो सही समझ आया, वरना कोई और कर देता करके दिखाया। लोगों ने दिल तोड़ा पर आदत बना ली, विश्वास किया खुद पे इज्जत बना दी, अपने साथ वालों को भी आगे बढ़ा के ताकत बनाई, ना डरा जरा भी अमीर और गरीब।